शेफ 2021 कुकिंग कॉन्टेस्ट में भाग ले रही हूँ। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है कद्दू की खीर। यह रेसिपी मैंने इसलिए पसंद की हूँ, यह रेसिपी हेल्दी है और इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, जैसे कि आँखों के लिए और वज़न घटाने के लिए और खून में शुगर की मात्रा कंट्रोल करने में। इससे ए विटामिन, B2 विटामिन भी पाया जाता है। यह रेसिपी के लिए मैंने सामग्री ली हूँ वो बता रही हूँ। 2 चम्मच घी, 300 ग्राम किसा हुआ कद्दू, 1/2 लीटर दूध, आधी कटोरी चीनी और 1/2 चम्मच हरी इलायची की पाउडर। अभी मैं इसकी कृति बताने जा रही हूँ। पहला मैं गैस जला रही हूँ। अभी कढ़ाई गर्म होने के बाद इसके अंदर मैं 2 चम्मच घी डालूंगी। पहला मैं टच करके देख रही हूँ मेरी कढ़ाई गर्म हुई या नहीं। अभी गर्म होने के लिए बाकी है। कढ़ाई गर्म होने के बाद इसके अंदर घी डालूंगी। इसके अंदर मैं घी डाल रही हूँ। घी गरम होने के बाद इसके अंदर मैं किसा हुआ 300 ग्राम कद्दू डालूंगी। इसको मैंने पहले से ही किस के रखी हूँ क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए, पर इसको किसते टाइम में इसके अंदर का जो बीज रहता है वो निकाल देना है, ऊपर का जो हरा हुआ छिलका रहता है वो भी निकाल देना है। अभी मेरा घी गर्म हो रहा है। गर्म होने पे इसकी एक अलग अच्छी खुशबू भी आती है और आप आवाज़ भी सुन सकते हैं। अभी मैं इसके अंदर पिसा हुआ कद्दू डाल रही हूँ। मिक्स कर रही है तो पता भी चल रहा है, तो इसका अंदर का पानी सूख गया है और इसका कलर भी वैसे ही साथ साथ चेंज होते जा रहा है। अच्छे से भुने गया है। थोड़ा मैं चम्मच में लेके देखती हूँ उसका पानी सूखा या नहीं टेस्ट करके। नहीं, अभी थोड़ा सा बाकी है। और ऊपर मैं तपेली रख रही हूँ दूध गर्म करने के लिए।
ये मैंने 1.5 लीटर दूध ली हूँ, इसके अंदर दूध डाल रही हूँ। अभी मेरा दूध अच्छे से गर्म होने के बाद, और इसके अंदर एक आधी कटोरी चीनी भी डाल रही हूँ ताकि चीनी अच्छे से दूध में मिक्स हो जाए। अभी चीनी डाल रही हूँ, इसको अच्छे से मिक्स करके लूंगी। अभी 2 से 5 मिनट इसको गर्म होने दूंगी। यहाँ पे मुझे जिन चीजों की जरूरत नहीं है यहाँ से मैं निकाल दे रही हूँ। यहाँ पे अभी दूध गर्म हो रहा है, दूध अच्छे से गर्म होने के बाद इसके अंदर मैं जो भी भुना हुआ कद्दू है इसके अंदर डालूंगी। आप भी ऐसा हेल्दी फूड आपके घर पे बना के खा सकते हैं। ये जो पित्तशामक लोगों के लिए भी कद्दू बहुत फ़ायदेमंद होता है, और इससे डायबिटीज़ वाले लोगों को इसका जूस भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये पेट से लेके तो दिल के बीमारी तक तो इसका बहुत फ़ायदा होता है। अभी धीरे धीरे दूध अच्छे से गर्म हो रहा है, इसके अंदर की चीनी भी अच्छे से पिघल गई है। और दूध भी गर्म हो गया है। अभी मैं इसके अंदर पिसा हुआ और भुना हुआ कद्दू डालूंगी। इसे मैं अच्छे से इसे कद्दू डाल दूंगी। इसको मिक्स करके ले लूंगी अच्छे से कुकड़े मारे को। एक कढ़ाई बाजू में हटा दे रही, इसकी मुझे जरूरत नहीं है अभी। अभी इसको 5 7 अच्छे से पकने दूंगी। इसका एक अच्छे से खुशबू आ रही है, और आप देख सकते हैं इसका कलर भी बदल गया है।
हिसाब से इसमें चीनी डाल सकते हैं। आपको ज़्यादा मीठा नहीं चाहिए तो आधा कटोरी डाल सकते हैं, ज़्यादा चाहिए तो एक कटोरी भी डाल सकते हैं, और आपके हिसाब से आप दूध भी डाल सकते हैं। पतला चाहिए या घट चाहिए उसके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंड। देखो अभी ये थोड़ा थोड़ा घट होते जा रहा है, और इसका एक अलग कलर भी आपको दिखाई दे रहा रहेगा। अभी ये पकने के बाद इसके अंदर में एक पाव चम्मच हरी इलायची की पाउडर डालूंगी, ताकि इससे थोड़ा स्वादिष्ट लगती है कि, और कलर भी थोड़ा अलग लगता है और खुशबू भी आती है। आप देख सकते हैं एकदम घट होते जा रहा है, और उसके अंदर दूध भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी मैं इसके अंदर पाव चम्मच मिर्ची डाल रही हूँ पाउडर। और थोड़ा सा इसको पकने दूंगी, मुझे और थोड़ी सी घट चाहिए है। धीरे टीवी चालू करो। और इसको पकने के बाद इसके अंदर फिर मैंने जो ड्राई फ्रूट्स ली हूँ सात आठ, वो उसको छोड़ पहले से ही मैंने काट के रख दी हूँ, और इसके फिर सजाने के लिए ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। आप चाहे तो डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। दूंगी
बता रही हूँ, इसकी पकने के बाद एक अच्छी सी खुशबू आ रही है और आप इलायची पाउडर डालने के बाद इसका कलर भी चेंज हो गया है और खाने में भी स्वादिष्ट लगती है। अभी बस हो गया मुझे इतना घट, अभी मैं इसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ। खीर सजाने के लिए और इसके बाद अभी मैं गैस बंद कर दे रही हूँ और अभी इसको मैं कटोरी में डालकर सर्व करूंगी। आप देख सकते हैं मैंने इसको कटोरी में रखकर सर्व कर दिया है। आप भी आपके घर पे ऐसा हेल्दी फूड बना के खाइए।